आप दो नंबर देखते हैं, इसका दो नंबर कह रहा है उनमें से कितनी संख्या है 3400 से बड़ी है, यानी 3400 से बड़ा रखने है संख्या को। चलिए इसमें आपको दो अलग अलग केस लेने होंगे और दोनों केस में ठीक है आपको निकालने होंगे। तो चलिए किस तरह से आपको केस लेने पहले समझा देते हैं। यहाँ लेते हैं हम लोग सबसे पहले केस पहला। देखिए 3400 से बड़ा होने का मतलब यह है कि हजार के स्थान पर तीन होगा, है ना, या तीन से बड़ी संख्याएं होनी चाहिए तभी ना 3400 से बड़ी हो पाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें तीन निश्चित है, है ना, हजार के स्थान पर तीन निश्चित रख दिए। तो इसको लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, एक तरीका, ठीक है, हजार के स्थान पर तीन निश्चित कर दिए तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एक तरीका हो जाएगा। अब समझिए जब यहां तीन निश्चित कर दिए तो आप सैकड़ा के स्थान पर इन चारों में से ही कोई लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तीन निश्चित कर दिए तो आपको 3400 से बड़ी के लिए आपको इन चारों में से कोई लिखना होगा, तभी ना यहाँ पे अंक जो चाहिए क्या चाहिए, चार और चार से बड़ा चाहिए। देख रहा है ना सैकड़ा का, है ना, सैकड़ा के स्थान पे चार और चार से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इन चारों में से ही कोई लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका कितना जाएगा, चार तरीका यहाँ पे। तो अब जैसे इन चारों में से कोई एक यहाँ रख दिए, ठीक है, तो इनमें ये तीन बच गए संख्याएं और ये तो पहले ही लिख चुके हैं, बच गया ये, तो दो और ये तीन पांच में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पांच तरीका। समझ में आया कैसे, क्योंकि इन चारों में से जब यहाँ एक रख दिए, कोई भी एक रख दिए, तो कितनी संख्या इसमें बन जाएगी, तीन, और यहाँ पे ये शुरू में के दो बचे हैं, इन दोनों को भी तो यहाँ लिख सकते हैं ना, है ना, क्योंकि आपको तो यहाँ जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो जीरो से बड़ी इन तीनों में से भी कोई हो सकता है और ये दोनों भी हो सकता है, यानी कि कुल तरीका यहाँ पांच, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा आपका, चार तरीका। समझ गए? तो अब इसका स्थिति लिख दीजिएगा कि हजार के स्थान पर अंक तीन निश्चित रूप से रखने पर ठीक है, फिर लिखिएगा इकाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर चार, दहाई के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर पांच, सैकड़ा के स्थान पर रखने का तरीका बराबर चार, और हजार के स्थान पर अंकों को रखने का तरीका बराबर एक, ठीक है। इसलिए इस स्थिति में बने संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, तो गुना कर देंगे, एक गुना चार गुना पांच गुना चार कितना आ जाएगा, पंचों का भी बीसों का 80 आ जाएगा, है ना, 80 आ जाएगा। अब फिर आपको केस दूसरा लेना होगा, केस टू लेंगे और फिर से आपको बॉक्सेस बनाने होंगे, चार बॉक्सेस बनाने होंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉक्सेस बन गए। केस टू अब की बार हम जो है ना, आपके पास देख लीजिए पहले संख्या कौन कौन सी थी, आपके पास अंक जो ऊपर दिए गए हैं वो है एक है दो है तीन है चार है पांच है छह है और ये सात ही ना है। तो अगर हम यहाँ हजार के स्थान पर तीन ना रख के तीन से बड़ी कोई संख्या ले लेते हैं, यानी कि आप चार पांच छ सात इन चारों में से कोई रख लीजिए, चार रखिए या पांच रखिए या छ रखिए या सात रखिए, तभी आपको 3400 से बड़ा ही ना संख्या प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे लिखने का तरीका बराबर आ जाएगा, चार तरीका। अब जब हजार के स्थान पर ही आपको तो रखना है 3400 से बड़ा संख्या, अब हजार के स्थान पर ही इन तीन से बड़ी कोई संख्या है तो यहाँ तो अब रखने के लिए सैकड़ा के स्थान पर रखने के लिए आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, बस जो यहाँ रखे हैं उसको छोड़कर, मान लीजिए इन चारों में से कोई एक यहाँ रख दिए तो कितनी संख्या है टोटल बच जाएगी, तो टोटल आपकी बच जाएंगी छह संख्या, है ना, आप बची हुई छह संख्या में से कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि हजार के स्थान पे ही हम लोग तीन से बड़ा कर दिए तो आगे जो भी लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो संख्या बड़ी ही होगी 3400 से, है कि नहीं। ऐसे मान लीजिए 4325 ही मान लीजिए, तो यहाँ जब अंक बड़ा हो गया तीन से तो इधर कुछ भी अंक आए उससे कोई फर्क पड़ेगा, वो तो बड़ा ही होते जाएगा ना,
वो तो 34 सबसे बड़ा ही होगा, तो इसीलिए जब इन चारों में से कोई एक यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ रखने के लिए आप स्वतंत्र हो गए, बची हुई कोई भी संख्या, यानी कि यहाँ पे 6 संख्याएं बच जा रही है, 7 है ना टोटल, तो जब एक यहाँ रख देंगे तो यहाँ रखने का तरीका 6, यहाँ रखने का तरीका 5, और यहाँ रखने का तरीका आपका कितना जगह 4 तरीका, है ना। तो आप लिख दीजिएगा इकाई के स्थान पर, लिख दीजिएगा अंकों का तरीका 4 दहाई पे 5, है ना, ऐसे करके इसको लिख दीजिएगा। और हम डायरेक्ट लिखते हैं कि इस स्थिति में बने संख्याओं की संख्या, इस स्थिति में बने संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, 4 × 6 × 5 × 4, गुना कर दिए यहाँ पे, तो गुना करिएगा तो कितना जाएगा, 6 × 4 = 24, आ जाएगा 480। इसलिए कुल अभीष्ट तरीका, यानी कुल अभीष्ट तरीका हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, कि 3400 से बड़ी जो संख्या है वो क्या होगी 80, और प्लस में 480, जोड़ दीजिए यहाँ से 560 संख्याएं आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर